नमस्कार। अभी पिछले दिनों हरियाणा के टॉप मोस्ट वांटेड की लिस्ट में नंबर वन सूबे गुजर को हरियाणा एसटीएफ की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में सूबे गुजर गैंग के एक और सदस्य को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किए है। उस पर उगाही करने और रकम नहीं देने पर हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज है। एनसीआर हरियाणा और राजस्थान में गैंगस्टर सूबे गुजर कहने पर रकम की उगाही करने वे उगाही नहीं देने पर भय दिखाकर गोली मारने और हत्या के प्रयास के मामले का एक और आरोपी क्राइम ब्रांच डीएलएफ फेज फोर की टीम ने गिरफ्तार किए है। वहीं सूबे गुजर गिरफ्तारी के बाद सूबे गैंग के तीन आरोपियों को डीएलएफ फेज फोर की टीम ने एसटीएफ के साथ मिलकर तीन दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरेंद्र निवासी जिला जज्जर के रूप में हुई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों 19 मार्च को पालम विहार थाना गुड़गांव पुलिस को सूचना मिली कि धर्म कॉलोनी आर के टावर के पीछे अज्ञात लोगों द्वारा चंद्रपाल नामक व्यक्ति को गोली मारी गई। घायल को कोलंबी अस्पताल के एडमिट कराया गया। घायल चंद्रपाल यादव ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह अपने परिवार सहित धर्म कॉलोनी में रहता है और पिछले 18 साल से बेस्टेक कंपनी में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पद पर कार्यरत है। गत 19 मार्च की सुबह अपने घर पर था और सुबह 8:30 बजे घर के सामने पार्क में सेविंग करने गया था। जब वह सेव कर रहा था तो पार्क के पीछे वाली जगह से दो युवक आए जिनको वह नहीं जानता और दोनों के पास हथियार थे। उस पर फायर किए, उसको एक गोली उसकी कोहनी में लग गई और दूसरा फायर मिस हो गया। ऐसे में चंद्रपाल ने एक हाथ से कुर्सी उठाकर हमलावर की ओर फेंकी और चिल्लाना शुरू कर दिया। यह देखकर दोनों युवक पार्क के पीछे एक तरफ भागे और उनका तीसरा साथी पीछे बाइक का इंतजार कर रहा था। दोनों लड़के अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर हवा में फायर करते हुए भाग गए। बाइक पर तीसरा युवक था जिसकी पहचान आरोपियों ने हरेंद्र के रूप में की है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह से हरियाणा के टॉप मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सूबे गुजर गिरफ्तारी के बाद हरियाणा पुलिस ने सूबे गुजर गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है।